साउथ वेस्ट दिल्ली में नजफगढ़ के पास एक गांव है बपरोला। 26 मई 1983 को यहीं पर जन्मे सुशील कुमार, जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स में भारत का ओपनिंग फ्लैग लहराया, जिसने भारत की रेसलिंग के दबदबे को दुनिया में फिर से कायम किया, जिसने 54 साल बाद 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में रेसलिंग की कैटेगरी में भारत को दूसरा मेडल जिताया, उस पहलवान को दिल्ली पुलिस ने आज हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कैसे शोहरत की बुलंदियों से चमकता हुआ एक तारा टूटता है और कैसे अपराध की दुनिया में गिरकर उसकी चमक धीमी पड़ जाती है, आज के बिन मांगा ज्ञान में कहानी सुशील कुमार की, अर्श से फर्श तक। नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं अनकट। 1952 के समर ओलंपिक्स में खाशबाग दादा साहब जादव ने भारत को रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जिताया। उसके बाद अगले 54 सालों तक भारत के परंपराओं और संस्कृति से निकलने वाली प्रतिस्पर्धा कुश्ती में भारत को मेडल नहीं मिल पाया। 2008 में चीन के बीजिंग ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था। इस बार रेसलिंग की कमान सुशील कुमार के हाथ में थी, जिसके पिता MTNL दिल्ली में काम करते थे और माता हाउसवाइफ थी, जिसके पिता खुद रेसलिंग का शौक रखते थे और जो अपने पिता से ही प्रेरित होकर रेसलिंग में आया था, जो 14 साल की उम्र में उसी छत्रसाल स्टेडियम में कुश्ती लड़ा करता था जहां पर उसने कथित तौर पर हत्या कर दी। उसी सुशील कुमार ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 54 साल बाद रेसलिंग कैटेगरी में भारत को ब्रॉन्ज ला कर दिया। 2008 में जब सुशील ओलंपिक जीत कर आए तब उन्हें कई राज्य सरकारें, प्राइवेट कंपनियां और तमाम संस्थाओं ने कैश प्राइज दिया। दिल्ली सरकार ने भी कैश प्राइज दिया और आज स्थिति यह है कि कुछ दिनों पहले तक खुद दिल्ली पुलिस उसी सुशील कुमार के ऊपर 1,00,000 का कैश प्राइज घोषित कर उसे खोज रही थी। खोज पूरी हुई, पहलवान पकड़ा गया। पूरा मामला जानने से पहले एक नज़र सुशील के करियर पर। वो सामान्य रेसलिंग किया करते थे, फिर उन्होंने 1998 में फ्री स्टाइल रेसलिंग में स्विच किया और उसी साल 1998 में ही वर्ल्ड कैडेट गेम में अपनी वेट कैटेगरी में सुशील ने गोल्ड मेडल जीता। उसके ठीक 2 साल बाद साल 2000 में सुशील ने एशियन जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में दोबारा गोल्ड जीता। 3 साल बाद 2003 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की सीनियर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2004 में एथेंस ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उनको 14वां स्थान ही मिल सका। जाहिर है उसके बाद लोगों ने उन्हें ज़्यादा नोटिस नहीं किया। सुशील ने दोबारा वापसी की, 2005 और 2007 के कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, 2007 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में 7वें स्थान पर रहे और 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता। इसके बाद काफ़ी लाइमलाइट में आ गए। 2012 के समर ओलंपिक्स में जब सुशील ने सिल्वर जीता तो वो भारत के इकलौते पहले एथलीट बने जिसने इंडिपेंडेंट इंडिया में 2 ओलंपिक मेडल जीते हों। और सबसे बड़ी बात, सुशील को 2011 में भारत में खेल के क्षेत्र में मिलने वाले सबसे बड़े अवार्ड अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ठीक 10 साल पहले राष्ट्रपति भवन में सम्मानित होने वाले सुशील ने उस वक्त कभी नहीं सोचा होगा कि इसी दिल्ली में उसे मोस्ट वांटेड की तरह खोजा जाएगा उसके करतूतों के चलते। अब आते हैं मामले पर। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 4 मई को रात 1:15 से 1:30 के बीच छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में पहलवानों के 2 गुटों में झड़प हुई थी। इस दौरान फायरिंग भी हुई, इसमें 5 पहलवान जख्मी हो गए। इनमें सागर, सोनू, अमित कुमार और 2 अन्य पहलवान शामिल थे। सागर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वो दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल का बेटा था। बताया जा रहा है कि ये झड़प प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुई थी। सागर और उसके दोस्त जिस घर में रहते थे सुशील उसे खाली करने का दबाव बना रहा था। पुलिस को घटनास्थल से 5 गाड़ियों के अलावा 1 लोडेड डबल बैरल गन और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वे सुशील कुमार की भूमिका की जाँच कर रहे हैं क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने सुशील और अन्य आरोपियों के तलाश में कई जगहों पर छापेमारी भी की। लुकआउट नोटिस तक जारी करना पड़ा। सुशील के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने फरार चल रहे सुशील और उसके PA अजय के ऊपर इनाम की घोषणा भी कर दी। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि सुशील की गिरफ्तारी में मदद करने वाले को 1,00,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, वहीं अजय की गिरफ्तारी में करवाने वाले को 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इनके अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। घटना के 1 दिन बाद सुशील ने मामले पर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि वे हमारे साथी पहलवान नहीं थे,
हमने पुलिस अधिकारियों को सूचित किया था कि कुछ अज्ञात लोग हमारे परिसर में घुसकर झगड़ रहे हैं। इस बीच आज यानी 23 मई को खबर आई कि दिल्ली पुलिस ने रेसलर सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाया जाएगा। आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।